सोलन में सब्जी मंडी इस बार दोगुना हुआ टमाटर का व्यापार। अभी तक मंडी में पहुंची 2,70,000 क्रेट, 50 करोड़ से ज्यादा का हुआ व्यापार। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रदेश भर में खेल सप्ताह का आयोजन, कई खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। कुल्लू में बस मालिक उड़ा रहे नियमों की धज्जियां, बिना परमिट के शहर में दौड़ रही मुद्रिका बस, निजी बस ऑपरेटर संघ ने आरटीओ और कुल्लू पुलिस को दी शिकायत। अर्की मुख्यालय में 17 से 9 सितंबर तक मनाया जाएगा राज्य स्तरीय सायरोत्सव। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर, मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक। हरिपुर धार रोनाहाट सड़क पर जुनैली के पास दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी ऑल्टो गाड़ी, सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। बिलासपुर डीसी ने कई इलाकों का किया दौरा, आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। डीसी ने अधिकारियों को दिए आदेश, आपदा में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत काम जल्द हो शुरू। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने सिरमौर में ठोस कचरा प्रबंधन पर दिया जोर, कहा शहरी और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविर होंगे आयोजित, धरातल पर उतारे जाएंगे एनजीटी के दिशा निर्देश। बीजेपी नेता शैलेंद्र गुप्ता का सरकार पर हमला, कहा दून विधानसभा क्षेत्र में तबाही के 15 दिन बाद भी अभी तक सरकार नहीं पहुंची, सोलन को अनदेखा किया जा रहा। आयुष विभाग ने ज्वालामुखी स्किल सेंटर में किया आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का आयोजन, लोगों को किया निशुल्क हेल्थ चेकअप, लोगों को बांटी गई निशुल्क दवाइयां। राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिलासपुर में क्रिकेट संघ ने इनफोर फन और वॉक एंड टॉक मैराथन का आयोजन किया, मैराथन में करीबन 500 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। वन विभाग ने बद्दी के गांव धौलपुर में चीड़ और छल के पेड़ से भरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया, अवैध पेड़ काट कर ले जाए जा रहे थे, पुलिस ने 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों की पहल, महिला मोर्चा की नेत्रियों ने सफाई कर्मचारियों को बांधी राखी, बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी रहे मौजूद। चंबा में बड़े आई फ्लू के मामले, अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी। मणिमहेश यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, मणिमहेश यात्रा को लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, यात्रा को लेकर एसडीएम ने कई जगहों का किया दौरा। रेणुका के बड़ग में किराना स्टोर में लगी आग, घटना में 15 लाख रुपए का नुकसान, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू।